हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो एक मेकअप वीडियो होने वाला है, जिसमें एक दुर्गा पूजा लुक क्रिएट किया है मैंने। नवरात्र आने वाले हैं तो सारी ही लड़कियां खूब सस्ती समझती हैं। नवरात्र के 9 दिन बहुत मस्ती होती है, बहुत धमाल होता है। और जो जिस दिन दुर्गा पूजा होती है, उस दिन के लिए मैंने ये मेकअप लुक तैयार किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये लुक दुर्गा पूजा वाले दिन क्रिएट कर सकते हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते, ज़्यादा बातें नहीं करते और चलते हैं वीडियो की तरफ। हे गाइस, मैंने यह टोनर और मॉइस्चराइज़र लगा रखा है। अभी मैं फेस को प्राइम करने के लिए एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ। इससे फेस को एकदम स्मूथ फिनिश मिलेगी और हमारा फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से ग्लाइड होगा और बहुत ही अच्छा लुक आएगा। अब मैं यहाँ फाउंडेशन ले रही हूँ, लोरियल का ट्रूमैच। मेरा शेड है 3W 3D। सिर्फ एक पंप लिया है मैंने यहाँ, और इसके बाद मैं इसको हल्के हल्के डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पर लगा लूँगी। और मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। ये वेट ब्यूटी ब्लेंडर है, मैंने इसको पानी से गीला करके और उसके बाद अच्छे से निचोड़ लिया है। ब्यूटी ब्लेंडर को हमेशा गीला करके यूज करें, उससे बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा। इसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर यूज कर रही हूँ। जहाँ भी मुझे हाईलाइट करने हैं अपने एरिया, या जहाँ पर भी मुझे थोड़े से डार्कनेस के इश्यू हैं अपने लिप्स के आसपास भी, और अंडर आई एरिया पर, और आँखों के ऊपर भी, ताकि आई शेडो के लिए एक अच्छा बेस मिल सके और आई शेडो का जो कलर है वो काफ़ी अच्छे से खिल के आए, एकदम उभर के आए। इसके बाद मैं इसको कॉम्पैक्ट की हेल्प से सेट कर रही हूँ। बेस को सेट करना बहुत ज़रूरी है, वरना थोड़ी ही देर में क्रीज लाइन बनने लग जाती हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। इससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनता है। इसके बाद मैं ये स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट लेकर अपने आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। इसमें से मैंने डार्क ब्राउन कलर पिक किया है। मैं अपनी आईब्रोज़ फिल करने के लिए एक एंगुलर ब्रश की हेल्प ले रही हूँ। इससे आईब्रोज़ बहुत ही अच्छे से फिल हो जाती हैं। हमें आईब्रोज़ को फिल करते टाइम बहुत ही हल्के हाथ का यूज करना है। ऐसे ही मैं अपनी दूसरी आईब्रो भी फिल कर लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पर वही वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर अपनी आईब्रोज़ के नीचे लगा रही हूँ, ताकि आईब्रोज़ एकदम शार्प और एकदम अच्छे से दिखें। इसके बाद हम आई शेडो लगाएंगे। ये वही स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट है, और इसमें से मैंने ये डार्क पिंक कलर पिक किया है। इसके बाद मैं ये ब्राउन कलर पॉप कर रही हूँ अपने आउटर कॉर्नर पर, और इसको धीरे धीरे मैं आगे तक लेके आई हूँ। इसी तरीके से दूसरी आँख में भी कर ले रही हूँ। इसके बाद डार्क ब्राउन कलर आउटर कॉर्नर से लेते हुए और लिड एरिया से लेते हुए बिल्कुल आगे तक लेके जाऊंगी। इसके बाद फिर से मैं पिंक कलर पिक करते हुए, ताकि कोई ज़्यादा हार्श लाइन ना दिखे, उसको एक दूसरे में मर्ज कर रही हूँ। इसके बाद मैंने शिबाना का ब्लश पैलेट लिया है, और इसमें से मैं गोल्डन कलर अपनी आईज़ पर अप्लाई करूँगी।
मैंने अपनी आईज़ का मेकअप डार्क ब्राउन और मरून टाइप का किया है, तो उसके साथ ये गोल्डन कलर का आई शेडो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये शिमरी है और इसी से मैंने अपने इनर कॉर्नर्स भी हाईलाइट कर लिए हैं। इसके बाद मैं डार्क ब्राउन कलर लेके ही अपने लोअर लैश लाइन पर भी लगा लिया है मैंने। इसके बाद मैं लैकमे का लाइनर लगा रही हूँ। लाइनर को मैंने डबल विंग बनाकर लगाया है, ये किसी भी फेस्टिव लुक के लिए बहुत अच्छा लगता है। आप भी इस तरीके से किसी भी फेस्टिवल में या किसी शादी में फंक्शन में लाइनर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे आंखें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं और थोड़ा अलग भी लगता है। इसके बाद मैं फेसेस कनाडा का कोल काजल अप्लाई कर रही हूँ और इसके बाद मैं अपनी फॉल्सीज अप्लाई कर रही हूँ। मैंने लगा ली हैं दोनों फॉल्सीज और इसके बाद मैंने थोड़ा सा और वो गोल्डन शेड लेकर अपने इनर कॉर्नर्स को और अच्छे से हाईलाइट कर लिया है। इसके बाद मैं शिबाना ब्लश पैलेट से कॉन्टोर कलर लेकर, ब्राउन कलर लेकर अपने फेस को कॉन्टोरिंग कर रही हूँ चीक्स पर और चिन के नीचे नोज़ पर। इससे आपके फेस को एक बहुत ही अच्छा कट मिल जाता है, फेस को एक शेप मिल जाती है और एक फेस एकदम वाइट और एक जैसा नहीं लगता, इससे बहुत अच्छा लुक आता है। इसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट की हेल्प से अपनी जो कॉन्टूरिंग की है उसको थोड़ा शार्प लुक दे रही हूँ। इससे कॉन्टूरिंग बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्लियरली दिखाई देती है। इसके बाद मैंने वही शिवाना ब्लश पैड से पिंक कलर पिक किया है और मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर है और इसमें शीन है, चंकी पार्टिकल्स नहीं हैं बट एक बहुत अच्छा ग्लो देता है ये फेस को। इसके बाद आती है हाइलाइटर की बारी। मैं ये मास्टर क्रोम को मोल्टन गोल्ड हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा हाइलाइटर है, इसका रिव्यू मैंने अलग से दे रखा है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं अपने सारे एरियाज़ को जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना है वहाँ हाईलाइट कर लूँगी, नोज, चीक बोन, चिन, फोरहेड। इसके बाद बारी आती है लिपस्टिक की। ये सेवन हेवन की लिपस्टिक है, बहुत ही प्यारा रेड कलर है। रेड बिंदी के बिना तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता बट मेरे पास नहीं थी तो मैंने लिपस्टिक से ही जुगाड़ करके रेड बिंदी भी बना ली। बारी आती है ज्वेलरी की, तो यहाँ पर मैंने झुमकियाँ और एक क्यूट सा छोटू सा नेकलेस भी पहन लिया है। तो ये है फाइनल लुक दोस्तों, कैसा लगा आपको ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।